पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। और आज की नीति कुछ ऐसी है कि पैसा तो सबके पास है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की कला सबके पास नहीं है। जैसे कुशल व्यापारी वहीं पैसे लगाता है जहां दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, ऐसे ही हर व्यक्ति को कुशल होना चाहिए कि अपनी संपत्ति का ऐसा प्रयोग करें कि वो दिन दुगनी रात चौगनी सफलता के साथ प्रस्तुत हो। ऐसी जगह उसको खर्च करना चाहिए, ऐसी जगह उसको दान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कंजूस प्रकृति के, हो सकता है कि आपके बीच भी हो, मगर कुछ लोग होते हैं कंजूस प्रकृति के। कंजूस प्रकृति के मतलब कि सब कुछ होता है उनके पास, भाव नहीं होते उनके पास, वो कहलाते हैं कंजूस प्रकृति के लोग। तो यहां कह रहे हैं कि कंजूस आदमी के कई दुश्मन होते हैं, मगर दोस्त कोई नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता है कि यार ये सपोर्ट नहीं करेगा, उनको पता है कि ये सपोर्ट नहीं करेगा कभी जीवन में, और बिना सपोर्ट के कैसे जिएंगे। तो कंजूस आदमी के कई दुश्मन होते हैं, मगर दोस्त कोई नहीं होता। कंजूस आदमी से हर कोई नफरत करता है, इसलिए जीवन में पैसा हो ना हो चलेगा, जीवन में पैसा हो ना हो चलेगा, लेकिन जीवन में कंजूस ही ना हो। अगर आप कंजूस हैं तो आप सत्य एक बात मान के चलना, आपके पास जो संपत्ति है वो आपके लिए विपत्ति का ही काम करेगी। जो भी आपके पास धन है, वैभव है, ये आपकी दुर्गति का ही कारण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको सदुपयोग नहीं आता है। 10 का नोट है अगर आपके पास, 100 का नोट अगर है आपके पास, तो उतना खर्च तो करो कम से कम जितना तुम्हारे योग्य है। मंदिर आप आए हो, कहीं तीर्थ क्षेत्र दर्शन करने आए हो, और पर्स में आपके पास पैसे हैं, एक 50-100 का नोट तो आप गुल्लक में डाल सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े कंजूस प्रकृति के, उनको क्या लगता है कि अगर 100 का नोट या 1 का सिक्का चला गया अपना, मतलब अपनी अंदर से जो आयु होती प्राण वो निकल चुके। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं नीतिकार की 11वां प्राण कोई होता है तो उसका नाम है धन, और वो धन बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। सब कुछ तो नहीं होता, कुछ तो होता है। और वहीं आप दूसरी ओर देखो, जो दान करता है उसकी यशा कीर्ति फैलती, लोग उसको पूछते हैं। पैसा दिया इसलिए नहीं पूछते, उसका पुण्य बढ़ जाता है इसलिए पूछते हैं। और कंजूस व्यक्ति जो होता है वो तो लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। उसको आप बोलना भैया कुछ दान कर ले, बोले इतने लोग तो कर रहे हैं मैं क्यों करूं। अच्छा उससे बोलना, चल भाई मंदिर मत कर, तू दया कर ले, अनाथ है कोई, गरीब है उसको गोद ले ले, कोई वृद्ध आश्रम में है तो उसके उसको कपड़ा दिया। अब इतने लोग तो कर रहे हैं मैं क्यों करूं। धीरे से पुण्य कहता है, अब मैं इतने लोगों के पास जा रहा हूं, तेरे पास क्यों आऊं। इसलिए जीवन में पैसा ना हो वो चलेगा, कंजूसी ना हो। दिलदार आदमी होना चाहिए, दिलदार। कल अपन रात्रि में थे, बड़ा खेत में तूफान आया। कैसा तूफान कि जो गद्दे थे वो 2-2 किलोमीटर दूर मिले। इतना बड़ा, इतना भयंकर तूफान कि आदमी पाटा लिए तो पाटा उड़ रहा है, ऐसा भयंकर तूफान। और सामने वाला जो घर वाला था, क्या व्यक्ति दिलदार था, उसने पूरा घर खोल दिया। बोले गुरुजी तुम भी रुकिए, गुरुजी आप भी रुकिए, आपके साथ जो है उन सबको रुकिए, चद्दर कंबल गद्दा तकिया जो था उसने सब दे दिया।
पूछ रहा था कि आप भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, कुछ हो तो बता दीजिए हमारे लिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं। कितना दिलदार आदमी निकला। आप उसकी जगह होते तो बोले भी 5 मिनट रुको, आप 3-4 कमरों में ताले लगाते फिर प्रवेश करवाते। उसने कुछ नहीं बोला, गुरु जी रुकिए। उसके बाद उसने ये नहीं पूछा कि हमारा सामान कहाँ क्या रखा है, कहीं बहुत सारी जगह उसका अनाज था, कहीं कपड़े थे, कहीं कुछ था। उसने कुछ नहीं बोला। ये दिलदार प्रकृति के लोग हैं, दिल को दरिया रखे बाकी सब समुंदर हो जाएगा। दिल जितना बड़ा रखोगे आपके उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। एक आपको दृष्टांत बताता हूं कि एक मंत्री अपने राज्य में से पैदल पैदल घर जा रहा था, और उसका घर जो था वो 7-8 किलोमीटर महल से दूर था। उसने सोचा पैदल पैदल चलते हैं, थोड़ा चलना भी हो जाएगा और अपन राज्य की पूरी स्थिति भी देख लेंगे। एक वृद्ध नंगे पैर जा रहा था और थोड़ा गर्मी थी, तो उसने अपनी चप्पल जो थोड़ी टूटी थी उसको दे दी। उसने अपनी छोटी टूटी हुई चप्पल दे दी और नंगे पैर चलने लगा। इतने में किसी काम से राजा की बग्घी निकली, राजा ने देखा मंत्रीवर तुम पैदल नंगे पैर चल रहे हो, आओ बग्घी में बैठो। बैठा लिया और उसको घर तक छोड़ दिया। अगले दिन पूछता है राजा मंत्री से, बोलो कैसा रहा तुमको बग्घी में छोड़ा? बोले मेरा पुण्य था। बोले कहाँ से आया वो पुण्य? बोले टूटी चप्पल दी दान में तो रथ मैंने पाया है। टूटी चप्पल थी वो दान में दे दी तो रथ मिला है, अगर मैं सही वाली असली ओरिजिनल सही चप्पल दे देता तो कितना पुण्य मिलता। सोचो उसने टूटी चप्पल दी, बड़ा दिल रखा, चलो यार कोई बात नहीं अपने पास तो है ही नहीं है तो घर तो पहुंच ही जाएंगे, बेचारा तो गरीब है उसके पास तो है ही नहीं, अपन दूसरी पहन लेंगे। दिल बड़ा रखना सीखो, और दिल जितना बड़ा होगा सफलता प्रीति उतनी बड़ी होगी। आप छोटा सा दिल रखोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई आपके घर आ गया ऐसे मुसीबत में, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि तूफान आया आपके घर के कोई सामने आ जाए तो आप क्या बोलोगे उसको? भैया जगह नहीं है हमारे यहाँ। उस व्यक्ति का दिल, मैं तो कल यही सोचा था उसका दिल कितना बड़ा है। मैं सीढ़ी में नीचे बैठा था कि ये बोलेगा तब मैं जाऊंगा, तो कहता महाराज जी स्वामी जी ऊपर ऊपर चलिए जहां आपको अच्छा लगे। मैं सीढ़ी में बैठ गया था नीचे जाके कि इसको बोलने दो पहले, इसका घर है। कोई और व्यक्ति होता तो गेट नहीं खोलता, बोले अनजान लोग इतने सारे 50 लोग घुस गए मैं क्या करूंगा। अभी जहां लास्ट पंचकणक हुआ था सैटेलाइट में इंदौर में, तो जो उसका जमीन का ओनर था वो बोले मैं तो इसी 2-4 साल बाद जमीन घूमते घूमने के लिए यूं ही निकला हूं, निकला था तो मैंने देखा कि मेरी जमीन में पंडाल लगा है, तो उसको लगा कब्जा तो नहीं हो गया कहीं, तो उसने देखा है तो बोले मुझे बहुत गुस्सा आया पहले तो, फिर पूछा मैंने क्या चल रहा है तो बोले पंचकणक चल रहा है, जैन मुनिराज है। अच्छा साधु महाराज का कार्यक्रम है, कहाँ है? बोले पास में। बोले चलो दर्शन करवा। आया उसने देखा एकदम शांत, इतना खुश प्रसन्न, गड्डी निकाली जेब से और कुछ दान कमेटी को दिया कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी जगह पर पंचकणक हो रहा है, कोई जैन होता तो कहता किराया और दो बिना पूछे कैसे। दिल बड़ा रखो, जिनका दिल बड़ा होता है ना उनकी चर्चा स्वर्ग में भी होती है। दिल बड़ा रखो, जिसने घाव दिया है उसको भी दवा देना सीखो, दिल बड़ा रखना सीखो। ऐसा कह रहे हैं कि जो बात कह रहा हूं बड़ी गंभीर है कि कंजूस की दौलत और दोस्त, कंजूस की दौलत हो या दोस्त हो कभी उसका कोई साथ नहीं देता। उनको पता है कि कंजूस है, अपना काम निकाल लेगा, कुछ खर्चा नहीं करेगा, और 5 बजे शाम को अगर कोई गायब हो जाए जैन, समझ लो खाने गया है बिना पूछे, टिफिन खोले किनारे खा रहा हो कहीं। दिल बड़ा रखो तब तो बात है। मैं भीलवाड़ा का दृष्टांत सुनाता हूँ आपको एक सेकंड में। 2015 का चातुर्मास भीलवाड़ा था, गुरु पूर्णिमा का दिन था, हम लोग सब बाहर बैठ के साधु लोग पढ़ रहे थे। एक माँ आई अपने पति को लेकर के, बोले महाराज जी ये ब्रह्मचारी जी, इनको कुछ भोजन सुबह से कुछ हुआ नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, सारस्वत सागर जी ब्रह्मचारी, तो मैंने उनसे कहा जाओ पहले पढ़ाई बाद में करना, मैं पढ़ा रहा था उनको। मैंने कहा पढ़ाई बाद में करना, पहले भोजन कराओ, अतिथि संविभाग सबसे पहले व्रत है, स्वाध्याय बाद में।
सामने एक चौका लगा था, भोजन करवाया उनको, वो वही व्यक्ति था जिसने हमको पानी के लिए मना किया था, याद आया? वही व्यक्ति था जिसने पानी के लिए मुझे मना किया था। मैं उससे बोला भैया प्यास लगी, मैं 2008 में पहली बार गुरुजी के साथ विहार किया और शाम को इतनी प्यास लग रही थी तो मैंने कहा अंकल एक गिलास पानी मिलेगा, तो कहते व्रती हो क्या, कुएं का पानी है? तो हमने सोचा यार स्वर्ग से थोड़ा ना खींच के लाए हो, खींच के तो यहीं कुएं से लाए हो। बोले व्रती हो क्या? मैंने कहा नहीं इंसान है। बोले नहीं व्रतियों के लिए, साथ में श्वेत सागर जी ब्रह्मचारी थे, श्वेत सागर जी, उनने पूछा जहाँ रुके थे हम लोग, क्यों भाई कुआं कहाँ है? तो एक नोला पीछे, तो 4 बाल्टी पानी खींच के लाए, 3 बाल्टी ने सब बच्चों को पिलाई और 1 बाल्टी उसको, बोले तुम व्रती हो, बोले मुंह डाल के पी लो, तुम व्रती हो तो मुंह डाल के पी लो। वही व्यक्ति आया दोबारा मिला हमको, तो उसने भोजन के लिए नहीं पूछा था, जब हमारे पास आया था अपन ने उसके लिए भोजन की व्यवस्था करी, रुकने की व्यवस्था करी, शाम की व्यवस्था भी करी। क्यों? क्यों? दिल बड़ा रखना सीखो। अगर तुम दूसरों की तरह दिल छोटा रखोगे तुम्हारे में उसमें क्या अंतर है? आज उनकी नमोस्तु आती है, आज उनकी नमोस्तु आती है, हमने ठीक है आज वो छुल्लक बन चुके हैं, उनकी नमोस्तु आती है, हम बोलते आशीर्वाद। मैंने कई बार प्रयास किया कि उनके मेरे आहार हो जाए, पैर बड़े ही नहीं उनके आगे। कंजूस प्रकृति के व्यक्ति का जिसका दिल छोटा होता है ना, वो बड़ी सफलताएं, बड़े राज्य, बड़ा नाम कभी हासिल नहीं कर सकता। दिल बड़ा रखो, और कम से कम उनके प्रति तो रखो जिन्होंने तुम्हारा जीवन बनाया है, गुरु के प्रति, उनके प्रति दिल बड़ा रखो कम से कम। छोटी छोटी चीजों से कई बार बड़े लाभ रह जाते हैं। मुक्तागिरी पंचगणक था, एक अज्ञानी पंडित जी हमसे बोले कि आप इतना लंबा कर्नाटक से बिहार करके आए हो, ये मूर्तियां कर्नाटक जा रही पंचगणक के लिए, आपकी प्रेरणा से आई है, तो आपका नाम लिखवा दे प्रेरणा में। मैंने कहा क्यों? बोले इसमें आचार्य श्री बस का तो लिखा है, आपका कहाँ लिखा है? मैंने कहा उनका जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ सब हमारा लिखा है, उनके तो शिष्य हम, 2000 के नोट में 20 का नोट तो है ही। मैंने कहा तुम 20 का अलग से लगाओगे तो 20 का ही कहलाएगा, 2000 का नहीं कहलाएगा। मैंने कहा तुम्हारी सोच से चलेंगे, छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। कंजूस प्रकृति के लोग, छोटे दिल के लोग कभी बड़ी बड़ी सफलता, बड़ा नाम, बड़ी पद प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त करना है दिल बड़ा रखें, क्योंकि कंजूस का दोस्त और कंजूस की दौलत, कंजूस व्यक्ति का दोस्त और उसकी दौलत, कोई कभी उसका साथ नहीं देगा, वो अकेले खड़ा मिलता है। ऐसा ध्यान रखना, अपन को कंजूस बनना नहीं है, ये आज की नीति है। दिल बड़ा रखना सीखना है, ये आज की नीति। शेष अपन आगे देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की।